नमस्कार दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और करंट अफेयर्स में आज अपने स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, हाल ही के अंदर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको बनाया गया है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में यह परिवर्तन आया है। इससे पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे के स्थान पर अब नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बाद में हम बात करें कि देवेंद्र फडणवीस हैं, इनको महाराष्ट्र का नया महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, और महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है देवेंद्र फडणवीस को। तो आइए जानते हैं इनकी संवैधानिकता के बारे में कि क्या इनके बारे में संविधान में उल्लेख है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो पद है इस पद का संविधान के अंदर क्या है उल्लेख है, और मुख्यमंत्री का पद कैसा है, एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इसका मतलब संविधान के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, त्याग पत्र, कार्यकाल, शपथ, हटाना, इन सब के बारे में संवैधानिक रूप से क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। और ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये एक गैर संवैधानिक पद है। गैर संवैधानिक पद है, यानी गैर संवैधानिक का मतलब यह होता है कि जिस पद का उल्लेख संविधान के अंदर ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक पद। और उस पद को बनाए जाने का कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम नहीं होता है। यानी महाराष्ट्र के अंदर यदि उप मुख्यमंत्री नाम ही बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यदि बना दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह कोई संवैधानिक उपपद नहीं है कि चुनाव होने के बाद में मुख्यमंत्री के साथ साथ में उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त करना ही होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है तो इसको कैसा बताना है? संवैधानिक पद है। और उप मुख्यमंत्री का पद है वो एक कैसा पद है? गैर संवैधानिक पद है, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं, ये दोनों किस प्रकार के मंत्री होते हैं? ये दोनों के दोनों कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैसे मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अलावा और किस टाइप के मंत्री होते हैं? तो अलग इसके अलावा होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अलावा कैसे मंत्री होते हैं? उपमंत्री। तो तीन टाइप के मंत्री होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, और एक कौन से होते हैं? उपमंत्री। इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्री परिषद में आपसे पूछे कि कितने टाइप के मंत्री होते हैं, तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की कैटेगरी जो है ना, वो कैटेगरी है तीन कैटेगरी। कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी है कैबिनेट मंत्री, दूसरी कौन सी है? राज्य मंत्री, तीसरी कौन सी है? उपमंत्री। तीन प्रकार के मंत्रियों से मिलकर कौन सी बनती है? मंत्री परिषद बनती है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसमें, मंत्रिमंडल में
कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होते हैं ना, वो होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये दोनों प्रकार के मंत्री हैं, वो केवल किस में आते हैं? मंत्री परिषद में आते हैं। और मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो मंत्री कौन सा मंत्रिमंडल में आता है और कौन सा मंत्री परिषद में आता है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस मंत्री परिषद में मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती है? तीन होती हैं। लेकिन संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? और संख्या देखो दोस्तों, संख्या होती है दो प्रकार की। हमेशा कभी भी चले जाना, कहीं भी जाके पूछ लेना, आपको क्या बताया जाएगा? अधिकतम संख्या। अधिकतम के बाद में क्या होगा? न्यूनतम संख्या। ये दो प्रकार की संख्याएं आपको हमेशा पता करनी होगी। तो मंत्री परिषद में देखिए अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी भी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं, विधानसभा। क्या लिखा है मैंने? विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब कितनी हो सकती है? 15 तो हो सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो विधानसभा का 15% उसके अंदर क्या हो सकती है? मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर विधानसभा के लोग कितने रहते हैं? 200 MLA चुने जाते हैं। इनका 15% निकालेंगे तो प्रतिशत का निशान हटेगा, नीचे 100 जाएगा, नीचे वाले 100 के 2 0 होंगे, वो ऊपर वाले 2 0 काट देगा। तो हम सीधा ही डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 × 15। 2 × 15 बराबर क्या हो गया? कितने मंत्री आ गए? 30 मंत्री राजस्थान के अंदर बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, इस 30 के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों के दोनों क्या हो गए? शामिल हो गए। CM प्लस 29 मंत्री राजस्थान के अंदर बन सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बन सकते। इससे ऊपर बनाने हैं तो फिर विधानसभा की सीटों को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद में बना सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास में नियम के अनुसार विधानसभा का 15 यानी 200 का 15 कितना आएगा? 30 ही आएगा। और यदि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या हम रखना चाहते हैं कितनी? कम से कम न्यूनतम मंत्रियों की संख्या रखना चाहते हैं, तो किसी भी राज्य में मंत्रियों की कम से कम संख्या कितनी रखी जाएगी? 12 मंत्री रखे जाएंगे। ध्यान रखना, 12% मंत्री नहीं है, केवल क्या है? 12 मंत्री ही रखे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, इसके अलावा और कितने मंत्री बनेंगे? 11। यदि कम से कम रखना चाहें तो 11 तो क्या होंगे? मंत्री होंगे, और एक कौन होगा? अशोक गहलोत। ये एक है ना, ये एक अशोक गहलोत है, बाकी क्या है? मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई कुछ मंत्री है, और कोई परिवार कल्याण मंत्री है, कोई श्रम बेरोजगार मंत्री है। तो 1 + 11 कम से कम हो सकता है, अधिक से अधिक 30 मंत्री हो सकते हैं। नियम क्या है? नियम अधिक से अधिक विधानसभा का 15% और कम से कम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री। और ये नियम किस पर लागू होता है? भारत के सभी राज्यों के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इनमें से विधानसभा कितनों के अंदर है? 3 के अंदर। और जिसमें विधानसभा है उसी में क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो बताओ 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिनके अंदर विधानसभा है? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, और उन तीनों के उत्तर मुझे अभी बताइए कमेंट के अंदर। बताओ कौन कौन से 3 वो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है जिनके नाम आप जानते हैं? तो बताइए, फटाफट बताइए, नहीं तो मैं फिर आपसे पहले बता रहा हूँ।
सबसे पहले देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 3 के अंदर विधानसभा है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे ऊपर ही ऊपर, देखो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर ही ऊपर है, कौन सा है बताओ, कौन सा है सबसे ऊपर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इसमें क्या है? विधानसभा है। अब बचे हैं 2, कुल कितने हैं? 3 हैं। अब आओ ऊपर ही ऊपर हमने जम्मू कश्मीर को देख लिया, इसके बाद आओ भारत के बीच में, भारत के दिल में कौन रहता है बताओ? भारत के दिल में है दिल्ली। दिल्ली भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर क्या है? विधानसभा। और कितने लोगों का चुनाव होता है वहां से? 70 लोगों का चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर की सीटें 114 हैं, लेकिन इनमें से चुनाव कितनों पर होता है? 90 सीटों पर होता है। 14 सीटों पर चुनाव, 24 सीटों पर चुनाव नहीं होता, क्योंकि वो किस में आती हैं? POK में आती हैं। और इसके अलावा भारत के नक्शे में सबसे ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर, बीच में दिल्ली, और सबसे नीचे है पांडिचेरी। इस पांडिचेरी के अंदर भी क्या है? विधानसभा है। तो ये वो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके अंदर, राज्यों के अंदर तो सबके अंदर विधानसभा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 8 है जिनके अंदर कितनों में विधानसभा है? केवल 3 में है। तो वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। तो वर्तमान में ये जो करंट का मुद्दा हम कर रहे हैं, ये किसके ऊपर आधारित है? मुख्यमंत्री के टॉपिक पर आधारित है। और हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे बने हैं। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। जिनमें से आज हमने ये जाना कि मुख्यमंत्री है ये एक संवैधानिक पद है, और उप मुख्यमंत्री कैसा है? गैर संवैधानिक, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, एक शोभा बढ़ाने वाला पद है, इसके अलावा कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों किस टाइप के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट के अलावा अन्य 2 और टाइप के मंत्री होते हैं जिनको बोलते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। और इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट होते हैं, और मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? सारे ही बता देना। सारे कौन से? ऑप्शन नहीं है या सारे वाला? आपको वहां बताना है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसके बाद में लिखा हुआ आएगा उपयुक्त सभी, उसका मतलब क्या होगा? सारे मंत्री। तो वो 4th नंबर करना है। इसके बाद में हम बात करें मंत्री परिषद में मंत्रियों की कैटेगरी तो 3 होती है, लेकिन संख्या कितनी होती है? और संख्या आप जानते हैं, एक होती है अधिकतम और एक होती है न्यूनतम। अधिकतम संख्या किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में होती है विधानसभा का कितना परसेंट? 15%। राजस्थान में विधायक कितने बनते हैं? 200 का 15% 30। तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री कितने बनेंगे? 30 बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। कम से कम बनाना चाहे तो नियम क्या है? 12 मंत्री बना सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद के सहित 11 और मंत्री बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। और यह बात किस पे लागू होती है? भारत सरकार के सभी राज्यों के ऊपर लागू होती है। लेकिन भारत में राज्य कितने हैं? 28 दिन में विधानसभा है, लेकिन 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनके अंदर क्या है? विधानसभा है। और ये बात कहाँ कहाँ पर लागू होगी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली के अंदर लागू होगी। लेकिन इनके अंदर अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 10%। 10% क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब आज हमने ये जो करंट का मुद्दा किया है ये मुख्यमंत्री के टॉपिक से संबंधित था, और मुख्यमंत्री की बेसिक सारी जानकारियाँ आज हमने कवर की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।